आजाद भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक शहर जिसे बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों की गुलामी से लेकर भारत की आज़ादी तक क्रांतिकारियों के रूप में भी बुलंदशहर की अपनी एक अलग भूमिका रही है, मगर माना जाता रहा है कि बुलंदशहर आज़ादी के इतने साल बाद भी और राजधानी के इतना करीब होने के बाद भी कहीं ना कहीं विकास के मार्ग पर आज भी एक हाशिए पर है। अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान में एक सांसद होता है, एक विधायक होता है और एक चेयरमैन होता है, और तीनों ही जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए अपनी अपनी भूमिका में कार्य करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर हृदय गति से काम करता है, और अगर हम शरीर से हृदय निकाल लें तो वो निश्चल हो जाएगा, या यूं कहें कि मनुष्य मृत हो जाएगा, उसी प्रकार अगर इन तीनों ही जनप्रतिनिधि में से कोई भी अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करेगा तो विकास रूपी शरीर निश्चल हो जाएगा। बुलंदशहर कहीं ना कहीं विकास से उपेक्षित रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का भी मानना है, मगर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुनकर आए हैं उन्होंने शहर को विकास की गति देने की एक कोशिश की है। अगर हम बात करें नगर पालिका परिषद की, तो ये वो विभाग है जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराता है, जैसे जल, सड़क या शहर का सौंदर्यकरण। ये सभी कार्य नगर पालिका की देख रेख में होते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ की नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती पिंकी कर लोगों के जनजीवन में किस हद तक सुधार लाने की अपनी कोशिशों में सफल रही हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ बुलंदशहर के एक छोटे से सफर पर। यह है नेशनल हाईवे जिसे NH-24 के नाम से जाना जाता है। इसके एक मोड़ पर आकर हम कट जाते हैं बुलंदशहर की तरफ। शुरुआत होती है ठंडी हवा से, नहर के पानी से। तो यह है बुलंदशहर का निर्माणधीन द्वार जिसे पहले साक्षरता द्वार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर स्वच्छता द्वार कर दिया गया है। यह है बुलंदशहर का पहला मुख्य चौराहा जिसे बूढ़ चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्थापित है देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। शहर की शुरुआत में ही नजर आता है सड़कों का चौड़ीकरण। यह है बुलंदशहर का नवनिर्माण फ्लाईओवर। आज से 2 साल पहले अगर हम जाएं तो देखते हैं कि यहाँ लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता था, लोग परेशान होते थे, जिससे अब लोगों को पूरी तरह निजात मिल गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनपद के बीच मुख्य चौराहे पर, जहां पर अंग्रेजों द्वारा कत्लेआम किया जाता था तथा फांसी पर लटका दिया जाता था। उस स्थल का नाम ही कालेआम है, जो आज हमें उन अनेक वीरों की शहादत की याद भी दिलाता है। ये बुलंदशहर मुख्यालय का जिलाधिकारी कार्यालय है। हम इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मुख्य मार्गों में सड़कों पर हर तरफ रोशनी बिखरी नजर आती है, जो पहले नहीं देखी जा सकती थी। साथ ही सभी मुख्य चौराहों पर पुलिस कर्मियों का आना जाना यहाँ सुरक्षा का भाव पैदा करता है। ये वो चौराहा है जो पूर्व में अंसारी रोड चौराहे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रेरणा स्थली के रूप में परिवर्तित किया गया है। चौक बाजार चौराहा, छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए चाचा नेहरू के पार्क का सौंदर्यकरण भी नगर पालिका द्वारा किया गया है। मंजर पार्क, ये पार्क मंजर पार्क के नाम से जाना जाता है, कार्य अभी प्रगति पर है। अब चलते हैं महाराजा अग्रसेन पार्क की ओर, जो अभी निर्माणधीन है, और उम्मीद है कि जल्द ही ये पार्क भी शहर के बाकी पार्कों की तरह जगमगाने लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं शाना अड्डे की तरफ। ये वो रास्ता है जो कभी सिर्फ गड्ढों से भरा होता था, लेकिन आज ना ही तो यहाँ पर गड्ढे हैं और साथ ही सड़कों पर रोशनी देखी जा सकती है। बुलंदशहर जिले का गौरव, सूबे के मुख्यमंत्री रहे श्री बाबू बनारसी दास पार्क का सौंदर्यकरण कराया गया। भारत की एकता एवं अखंडता का प्रतीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धातु का बना अशोक स्तंभ भी स्थापित कराया गया, जिसे देखकर हम सभी को गर्व महसूस होता है। आइए अब नजर डालते हैं जनजीवन की कुछ मुख्य सुविधाओं पर। जल,
नगर में तकरीबन 6 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बिछाई गई, जिसमें मुख्यतः ऊपरकोट में मकानों के चटकने की समस्या आज खत्म हुई है। नगर के प्रत्येक नलकूप पर जनरेटर की व्यवस्था की गई है। इसका उपयोग किसी भी आपातकाल की स्थिति में नगर पालिका पानी की समस्या से निपटने के लिए हर समय तैयार है। 10 मिनी नलकूपों को भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाया गया है। इसे नगर पालिका की कामयाबी ही कहा जाएगा कि पिछले 4 वर्षों से पानी को लेकर एक भी धरना नहीं हुआ है। लाइट, सभी मुख्य मार्गों पर 3000 सोडियम लाइट्स को लगवाया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। 50 से ज्यादा हाई मार्क्स लाइट लगाने का काम भी नगर पालिका द्वारा सुचारू रूप से सफलतापूर्वक किया गया है। स्वच्छता, आज बुलंदशहर के मुख्य मार्गों पर गंदगी नहीं देखी जा सकती एवं सभी नागरिक स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जागरूक भी हैं। बुलंदशहर में यमुनापुरम, सुशीला विहार प्रथम, सुशीला विहार द्वितीय, आवास विकास प्रथम द्वितीय, इन सभी स्थानों पर घर घर से कूड़ा उठाया जाता है। आइए जानते हैं कि नगर पालिका के कामकाज को लेकर यहाँ के लोगों का क्या नजरिया है। खूब खुशी है भैया, पहले पैसे मांगे जमादार और अब हम बहुत बढ़िया हैं। अब तीसरे दिन कूड़े को आते हैं, खूब राजी हैं हम। सुविधा भी बनी हुई है। अच्छा, तो मतलब आप पिछले 5 साल के कार्यकाल से नगर, हाँ, बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है और जो तरक्की हो रही है, नगर पालिका अपने काम को अच्छा सुचारू रूप से पालन कर रही है और हम नागरिक लोग जो है इस बात से बड़े खुश हैं। बचपन, ये बच्चे हमारा कल है और इन्हें ही ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद ने 35 चिल्ड्रन पार्कों का निर्माण कराया है, जिससे इन बच्चों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी सुचारू रूप से हो सके। आस्था, नगर का सबसे प्राचीन एकादश स्थल जो कभी शीर्ष अवस्था में हुआ करता था, आज उसका सौंदर्यकरण बहुत व्यवस्थापक रूप से किया गया है। इसी के पास है राम प्रसाद जी का अखाड़ा, आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। सुलभ शौचालय, नगर में सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से की गई है। साथ ही अगर किसी माँ को कभी बाजार में अपने शिशु को दूध पिलाने की आवश्यकता हो तो उसे यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नगर पालिका परिषद ने अनोखी पहल करते हुए एक फिटिंग रूम भी बनवाया है जो DAV चौराहे पर स्थित है। मोबाइल टॉयलेट, वैवाहिक, धार्मिक समारोह तथा रैलियों आदि के आयोजन में जनता की आवश्यकताओं को एवं स्वच्छता को देखते हुए शौचालयों का प्रबंध करने के लिए 10 सीटर सहित 4-4 सीटर के 2 अन्य मोबाइल टॉयलेटों की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें पानी तथा सफाई आदि का पूर्णतया प्रबंध किया गया है। अतिरिक्त, नगर का सबसे पुराना एवं ऐतिहासिक रानी विक्टोरिया के समय से वर्तमान में मलका पार्क एवं महात्मा गांधी पार्क की रंगाई पुताई मरम्मत का कार्य, साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ओपन जिम का निर्माण कराया है। हम बच्चों के लिए कई प्रकार के झूले बनवाए हैं, जिससे उनका भविष्य सिर्फ 4 दीवारी में कैद होकर ना रह जाए। पालिका वाहन व्यवस्था, जिले का सबसे सुव्यवस्थित वाहनों का गोदाम भी बुलंदशहर नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाया गया है। कई बड़ी मशीनें जो सभी सुचारू रूप से प्रतिदिन कार्य करती हैं,
जिससे शहर के साफ सफाई को एक नया आयाम मिलता है। नगर पालिका परिषद कार्यालय। इसी बीच हम जाते हैं नगर पालिका परिषद कार्यालय की ओर, जहां देखा सभी कर्मचारी एवं अधिकारी सही समय से कार्यालय में आ जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। साथ ही हम गए नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती पिंकी गर्ग जी के कार्यालय में, जहां वे अपने कार्य में व्यस्त हैं। समरसता। सदियों से देश के अंदर जिस वर्ग विशेष को दलित एवं शोषित ऐसे समाज को सम्मान देने के लिए, उसी उद्देश्य से उस समाज के प्रथम विरासतम सांसद स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि द्वार का निर्माण नगर पालिका द्वारा किया गया है। अंत्योदय। पंक्ति के अंतिम में खड़े व्यक्ति को आगे लाना, इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए पूरे नगर के झुग्गी झोपड़ी एवं मलिन बस्ती में रहने वाले लगभग 425 बच्चों को महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर उनके संघर्षों पर आधारित फिल्म दिखाने का काम भी नगर पालिका द्वारा किया गया है। बुलंदशहर के सुंदर अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम नगर पालिका अध्यक्षा एवं सभी सभासदगणों का धन्यवाद करना चाहेंगे। तो बुलंदशहर का आपका ये सफर यहीं पे खत्म होता है। कहीं ना कहीं हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह नगर पालिका परिषद ने पिछले 5 सालों में लोगों के जनजीवन में सुधार लाने की एक सफलतापूर्वक कोशिश की है। और यकीनन ये काबिले तारीफ बात है कि जिस बुलंदशहर में आज से 5 साल पहले विकास के नाम पर सिर्फ चुनाव लड़े जाते थे, उस बुलंदशहर में आज विकास दिखाई पड़ता है। हमने आपको किस तरह दिखाया कि बुलंदशहरों में मार्गों की व्यवस्था, सौंदर्यकरण की व्यवस्था, या यूं कहें जनजीवन में मूल सुविधाएं जो जनजीवन को मिलनी चाहिए वो सारी मुहैया कराई जा रही हैं। इसके लिए यकीनन शुभकामनाओं के पात्र हैं यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पिंकी गर्ग जी और यहाँ के समस्त नगर पालिका परिषद के कर्मचारी। हम उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने बुलंदशहर के लिए 5 सालों में ये सफलतापूर्वक कोशिशें की। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले नगर पालिका अध्यक्ष वो जो भी हों, वो इसी तरह आगे इस प्रगति के मार्ग को आगे लेकर चलें, इस विकास के मार्ग को आगे लेकर चलें और बुलंदशहर की आवाज़ को और बुलंद करें। इसी के साथ मैं आपसे आगे चाहूँगा, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।